हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, होप यू ऑल आर सेफ एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोयम द क्वारल। इट इज़ अ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल, ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से व्हाई दे क्वारल, बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट, हाउ डू दे एंड। क्वारल क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा जो एक भाई बहनों में होता है, ये बहुत कॉमन सी बात है। सभी भाई बहन जो हैं वो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। अब ये किस बात पर स्टार्ट हो जाए या कितना लंबा ये लड़ाई झगड़ा चलता है और ये कब तक एंड होता है, ये कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे होता है, क्यों होता है ना। तो सभी को पता है कि कोई भी कॉमन सी बात हो गई, कोई नॉर्मल सी बात होती है और उस पर भाई बहन जो हैं वो लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं। I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight. The end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. तो ये जो पोएम है, इसके पोएट हैं एलेनोर, और इन्होंने ये पोएम जो है ये लड़ाई झगड़े के ऊपर लिखी है। ये जो हैं एलेनोर फर्जिलिन जियोन जो हैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं इसमें, इस पोएम में, कि एक घटना उन्हें याद आती है जब वो अपने भाई से झगड़ पड़े थे, और झगड़े का कारण क्या था उन्हें खुद कुछ भी नहीं पता था कि क्या, बहुत ही छोटी सी बात थी जिस पर उनका झगड़ा हुआ। तो अब ये जो है ये पहली बात बताने हैं कि कभी पहले झगड़ा हुआ था, उनको याद नहीं है कि किस बात पर झगड़ा हुआ था। शुरुआत में तो बहुत हल्का फुल्का रहा, लेकिन बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ख़तरनाक हो गया। और वो यही बोल रहे थे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सॉरी, उनका भाई जो था वो बोल रहा था कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पक्का पता है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो। लेकिन इनको पता था कि वही उनका ब्रदर जो है वो गलत है। अब झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था उनका कि वो जो थे इतना झगड़े रहे थे कि एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। और अब शाम होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा सा जो है आसमान काला होने लगा था अब। और फिर अचानक क्या हुआ कि उनके ब्रदर जो था उसे लगा कि भाई वो बहुत बोर हो गया, क्योंकि खेलने वाला उनके साथ कोई नहीं था, तो उसे अकेलापन फील हो रहा था। और अब उसने सोचा कि अब रात भी होने वाली है, अंधेरा शुरू हो गया है, शाम जाने वाली है, तो अब वो कैसे रहेगा ऐसे लड़ाई झगड़े के में, और वो अपने भाई से कैसे दूर रहेगा। तो वो फिर उसके पास आता है, पोएट जो है उनके पास आता है उनके ब्रदर, और वो कहता है उनके पास आकर पीछे से थोड़ा सा हल्के से उनकी पीठ पर थपथपाता है और वो कहता है कि भाई देखो, मैं ही गलत था और तुम ठीक थे, अब हम समझौता कर लेते हैं, लड़ाई कर हम ख़त्म कर देते हैं। और उसने जब अपनी गलती मानी तो फिर मैंने कहा नहीं कि मैं ही गलत था और तुम जो थे वो ठीक थे। तो ऐसे जो है लड़ाई झगड़े होता है जब भाई बहन का, तो जब हम अपनी गलती मान लेते हैं तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। लड़ाई झगड़ा बच्चों सभी के बीच में होता है, लेकिन हमें उस झगड़े को जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। जिसकी गलती होती है उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। सो ओके स्टूडेंट्स, द पोएम इज़ ओवर हेयर। थैंक यू।